बैंकिंग, ICSE क्लास 10th, मैथमेटिक्स। बहुत ही आसान सिंपल चैप्टर है बैंकिंग, और 3 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन पार्ट 1 में आएगा, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन पार्ट बी में, जो कि ऑप्शनल पार्ट होता है, उसमें भी आने का चांसेस है। तो लेट अस बिगिन बैंकिंग। और बैंक के बारे में तो आप जानते ही हैं कि बैंक एक इंस्टीट्यूशन होती है जो पब्लिक से डिपॉजिट लेती है फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग। अब बैंक हमसे कई टाइप के डिपॉजिट्स लेती है, सेविंग डिपॉजिट लेती है, फिक्स डिपॉजिट लेती है, करंट डिपॉजिट लेती है और रिकरिंग डिपॉजिट ले रही है। तो हमारे सिलेबस में रिकरिंग डिपॉजिट मतलब होता है कि बैंक एक सेम अमाउंट का डिपॉजिट बार बार हर मंथ लेती रहती है फॉर अ फिक्स्ड टर्म, ठीक है, और उस पर एक अच्छा ब्याज भी देती है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपने ये एग्जांपल और ये फॉर्मूले देख लिए तो यस, ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स से रिकरिंग डिपॉजिट, यस मैं शॉर्ट फॉर्म में RD लिख रहा हूँ, रिकरिंग डिपॉजिट ऑफ ₹1000 आप पर मंथ जमा करते हैं, यस आप, ठीक है। टाइम है लेट से 1 ईयर, आपके पास 1 साल के लिए पैसा 1000 आपके पास है, और आप हर महीने 1000 बैंक में जमा करते हैं। लेट से बैंक आपको इसमें रेट परसेंट देती है 12% पर एनम। पर एनम इंडिकेट करता है कि ये पूरे साल का ब्याज है, ठीक है। अब हमें करना क्या होता है, आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या आस्क्ड है। लेट से क्वेश्चन में आस्क्ड है फाइंड द इंटरेस्ट और फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू, दैट इज व्हाट इज द अमाउंट दैट यू विल रिसीव, हाँ, आफ्टर द फिक्स्ड टर्म ऑफ, यस, जैसे मेरे केस में टर्म है, टाइम है 1 ईयर। सबसे पहला काम क्या करना चाहिए आपको, सबसे पहले टाइम ईयर में नहीं होना चाहिए, इसको मंथ में कन्वर्ट कर देना चाहिए, और टाइम के बदले सिंबल आप लगा देंगे एन। एन हेयर मींस नंबर ऑफ मंथ्स दैट रिकरिंग डिपॉजिट इज, यस, रिकरिंग अमाउंट इज डिपॉजिटेड। हमारे केस में 1 ईयर है, आप इसमें लिख देंगे क्या 12 मंथ्स। इनकेस मंथ में दिया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एनुअल दिया रहेगा, ईयर में दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करके मंथ्स में उसे कन्वर्ट कर देंगे। अब आपके पास टाइम आ गया, क्यों मंथली कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये रिकरिंग डिपॉजिट है, हर मंथ होने वाला डिपॉजिट है। सबसे पहले आपको क्या निकालना चाहिए, प्रिंसिपल निकालना चाहिए। प्रिंसिपल यहां पर इक्विवेलेंट प्रिंसिपल से मतलब है, ये वो अमाउंट है जो इस पूरे टर्म के लिए प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल फॉर 12 मंथ्स के लिए है, ठीक है। तो इसके लिए आप फॉर्मूला लगाओगे रिकरिंग डिपॉजिट इंटू एन, दैट इज नंबर ऑफ मंथ्स इंटू नंबर ऑफ मंथ्स प्लस 1/2, ठीक है। इससे क्या निकलेगा, ये आपको निकलेगा प्रिंसिपल फॉर दी 12 मंथ निकल आएगा, दैट इज प्रिंसिपल फॉर दी इक्विवेलेंट पीरियड निकल आएगा। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे आप, इंटरेस्ट निकालेंगे, क्योंकि आपसे इंटरेस्ट पूछा ही गया है, तो मैंने कहा था आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना है, ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन जो है आपको इस सीक्वेंस में ही करना है। अगला स्टेप आपके लिए क्या है, इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यही फॉर्मूला होता है ना। पर यहां पर टाइम आपका फिक्स है, याद रखिएगा, टाइम आप जब भी लेंगे तो 1/12 ही लेंगे। ये 1/12 कैसे आया है सर, क्योंकि आपने डिपॉजिट्स को मंथली बेसिस पे लिया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथली बेसिस पे नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअल है, तो इसीलिए 1/12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टाइम 1/12 हो जाता है, ताकि इस मंथ को आप एनुअल बेसिस पे कन्वर्ट कर सकें। तो यहाँ पे टाइम जो है आपका 1/12 हो जाएगा, रेट आपको 12% गिवन है, और प्रिंसिपल आप यहाँ से ले लोगे, सो योर इंटरेस्ट विल बी RD इंटू एन, एन प्लस 1/2, ये रहा आपका प्रिंसिपल, यही था प्रिंसिपल, इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। ये फॉर्मूला फिक्स है, आप इसी फॉर्मूले में बार बार पुट करिएगा, क्लियर। और क्या करना है आपको, निकालना है मैच्योरिटी वैल्यू। इस क्वेश्चन में देखिए, मैच्योरिटी वैल्यू वो वैल्यू होती है जो टर्म पूरा होने के बाद आपको पैसा मिलेगा, सो इट विल बी
रिकरिंग डिपॉजिट इनटू नंबर ऑफ मंथ्स, ये तो वो है जो मैंने जमा किया होगा, तो सिर्फ इतना नहीं मिलेगा, ये प्लस मुझे ब्याज मिलेगा और ये जो इंटरेस्ट है यह हम जो निकालेंगे ये मिलेगा। सो ये तीन फॉर्मूला है जिसपे आपको ध्यान देना है, जिसके बेसिस पे ये सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, है ना, इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे हर क्वेश्चन में। आप देखिएगा आपका कोई भी क्वेश्चन हो, अभी तो मैंने इंटरेस्ट और मैच्योरिटी वैल्यू का क्वेश्चन दिया है, इनकेस रेट का निकालना क्वेश्चन हो, रिकरिंग डिपॉजिट का निकालने का क्वेश्चन हो, आएगा इसी सीक्वेंस से, ट्राई करके देखेंगे ना। आइए स्टार्ट करते हैं आपके सामने, जरा ये एरो हटा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना लिखे, समझ में आ रहा होगा तो यस लाइक बटन जरूर प्रेस करना, और सिर्फ अपने पास इस इन्फॉर्मेशन को मत रखो, अपने क्लासमेट्स फ्रेंड्स को भी शेयर करो। इससे पहले भी मैंने बैंकिंग पर वीडियो बना रखा है, अगर वो वाला वीडियो भी नहीं दिखा है तो एक बार आप उसको भी ज़रूर देखें। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले निकालेंगे प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल याद रखिएगा इक्विवेलेंट प्रिंसिपल फॉर दी ऑल 12 मंथ्स है, ये पूरे टाइम ड्यूरेशन का प्रिंसिपल है। सो आप लगाएंगे 1000 जो कि आपका आरडी है, रिकरिंग डिपॉजिट है, एन है 12, नंबर ऑफ मंथ्स में मैंने कहा था टाइम होना चाहिए वो हो गया 12, एंड दैट इज एन प्लस 1, 12 प्लस 1, सो यहाँ पे आ जाएगा 13/2। आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए अगर जितना हो रहा है, और नहीं तो आप वैसे ही छोड़ दीजिए, जैसे मेरे केस में आ रहा है 1000 × 6 × 13, और अभी मल्टीप्लाई मत करिए, ऑब्वियस बात है यहाँ पर अभी क्या होना है, इसको वापस पुट करना है, है ना, इसको यहाँ पर पुट करना है इंटरेस्ट के फॉर्मूले में, यही सेम प्रिंसिपल आप यहाँ पुट कर देंगे। सो प्रिंसिपल आपका हो गया 1000 × 6 × 13, ठीक, ये पुट कर दिया, ये एरो आपको समझाने के लिए लगाया गया, ठीक है। प्रिंसिपल और रेट के लिए क्या लगाना है आपको, यस 12/100 लगा दिया रेट के लिए 12/100, और टाइम के लिए तो फिक्स है, मैंने बताया था इसमें क्या लगाएंगे 1/12, क्यों 1/12, क्योंकि टाइम जो है वो मंथली बेसिस पे आपने लिया है, उसको एनुअल में कन्वर्ट करने के लिए यस 1/12, क्यों, क्योंकि साल में 12 मंथ्स होते हैं, क्लियर है। अब आप सॉल्व कर देंगे इसको, आपके पास आ रहा है 12 से 12 कैंसिल हो गया, और ये रहा 100 यहाँ से कैंसिल हो गया, सो 10 × 6 × 13 6 × 13 78 × 10, सो योर इंटरेस्ट इज 780 रुपीज़, ठीक है, आपके पास इंटरेस्ट आ गया है 780 रुपीज़। अब आपको निकालना है क्या, मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू के फॉर्मूला क्या दिया था, रिकरिंग डिपॉजिट इंटू नंबर ऑफ मंथ्स, तो हमारा रिकरिंग डिपॉजिट है 1000, ठीक है, इंटू नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं मेरे पास 12 है, तो ये तो मेरे ये तो मेरा मूलधन है, ये तो मेरी प्रिंसिपल अमाउंट है जो मैंने जमा किया है, 1000 जमा किया और 12 महीने तक जमा किया है, 12000 तो मेरे खुद के पैसे हैं जो जमा है, प्लस मुझे क्या मिलेगा, यस मैच्योरिटी पे मुझे क्या मिलेगा, ये मेरा पैसा जितना जमा है वो तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, जो कि 12000 है प्लस 780 मिलेगा, सो मैच्योरिटी वैल्यू में मुझे कितना मिलेगा, 12780, 12780, समझ में आ गया होगा, यस डेफिनेटली, प्रेस द लाइक बटन इफ यू हैव गॉट इट, एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब इट टिल नाउ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके सिलेबस के, आईसीएसई बोर्ड के सिलेबस के हर एक चैप्टर को, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इवन इंग्लिश भी, मैंने चैप्टर्स बना रखे हैं, सिर्फ आपको करना क्या है, उस चैप्टर का नाम डालना है और बस आगे लिख देना है बाय सर तरुण रूपानी। हाँ ट्राई करके जरूर देखिए, यू विल गेट माई वीडियोज ऑन इट, न सिर्फ आपको वीडियोस मिलेंगे बल्कि उसके एंड में आपको उससे रिलेटेड नोट्स भी मिल जाएंगे, ये नोट्स आपके लिए सिंपल लैंग्वेज में एज पर द लेटेस्ट सिलेबस बनाए गए हैं, सो टुगेदर आई एम श्योर यू एंड आई कैन मेक अ बिग डिफरेंस फॉर दिस बोर्ड एग्जाम्स 2022। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी कंसेप्ट में, अब आई होप ये कंसेप्ट क्लियर है, मैं यहाँ से हट रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास सारे फॉर्मूलेज आ जाएं। स्क्रीनशॉट ले लिया है आपने, चलिए अब इसी क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, मैं इसी क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ, आप थोड़ा फिगर ध्यान देख लीजिए, नंबर्स ध्यान देख लीजिए, मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट करूँगा और आपको आपके लिए आंसर निकल के दिखाऊंगा, क्लियर। चलिए अब की बार हम लोग क्या करते हैं, यस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, लेट से आपको रिकरिंग डिपॉजिट नहीं दिया हुआ है, ठीक,
देखिए मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा रब कर दिया आपके लिए, और देखिए इसी फॉर्मूले को मैं यूज़ करके, याद रखिएगा यही तीन फॉर्मूला है, इसी तीन सीक्वेंस में ही लगाना है, है ना, यही सीक्वेंस लगाना है और कोई चेंज मत करिए आप, ठीक। तो लेट से आपको दे दिया है इंटरेस्ट, दे दिया है आपको, कह दिया है कि इंटरेस्ट इज 780 रुपीज, और अब आपको कह रहा है फाइंड द रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक। आपको निकालना क्या है, वो आरडी का अमाउंट जो हर मंथ हमें जमा करना है। टाइम अगेन 1 ईयर ही है, यही क्वेश्चन है, रेट है 12। तो मैंने बताया था टाइम को मंथ में कन्वर्ट कर दिया है, तो सो 12 मंथ्स हो गया। तो सबसे पहला सीक्वेंस क्या है, आपको आरडी निकालना है, तो लेट कर दीजिए, लेट द आरडी अमाउंट बी एक्स। तो सबसे पहले आप प्रिंसिपल निकालेंगे, प्रिंसिपल के बदले यहाँ पुट करेंगे एक्स, क्योंकि आपने रिकरिंग डिपॉजिट को ले लिया है एक्स। सो एक्स इंटू 12 एंड 12 प्लस 1 13 अपॉन 2, क्या आ गया आपके पास 13 इंटू 6 इंटू एक्स, ठीक है। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 13 6 78x लिख सकते हैं आप, और नहीं तो आप ऐसे भी यस बिना मल्टीप्लाई के रख सकते हैं। अब इसको निकाल दिया आपने प्रिंसिपल, आप प्रिंसिपल यहाँ पुट करेंगे इंटरेस्ट के फॉर्मूले में, है ना। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बताया गया है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू रिकरिंग डिपॉजिट, दैट इज प्रिंसिपल जो आपका ऊपर से आया है, ये प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, टाइम याद ही होगा इसमें 1/12 लगाना है आपको। सो आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट आपका दे दिया है, सो इंटरेस्ट के बदले इंटरेस्ट को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, है ना, इंटरेस्ट दिया हुआ है तो इंटरेस्ट को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और प्रिंसिपल के बदले आप लिख देंगे 78x, रेट आपको दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 12% और टाइम कितना है 1/12, है ना सिंपल। आप क्या करेंगे, 12 से ये 12 कैंसिल हो गया है, 100 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और 78 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 780 इंटू 100 अपॉन 78 एंड दिस विल गिव यू 78 10 जा, सो योर आंसर इज 1000। आपके पास रिकरिंग डिपॉजिट आ गया 1000, क्लियर है। चलो तो क्या करना चाहते हैं, देखा ना आपने, इसी फॉर्मूले में पुट करते हैं, बट यहाँ ध्यान रखना है कि जब आप टाइम निकालेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में आएगा, और तब आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को सॉल्व करके टाइम को निकालना होगा। देखना चाहते हैं इसी क्वेश्चन में, आइए एक बार टाइम को निकालते हैं। लेट्स सी, आपके पास ये सारी चीज़ें गिवन है, और मैं फिर से रब करता हूँ इस क्वेश्चन को, ये मैं फॉर्मूला नहीं रब कर रहा हूँ क्योंकि इसी फॉर्मूले पे मैं पुट करूँगा, आप देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आंसर आ जाएगा आपका। चलिए आई होप आप यस आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते जा रहे थे। तो हमारे केस में रिकरिंग डिपॉजिट गिवन है, 1000 रुपीज है, टाइम जो है इस बार नहीं दिया है मैंने आपको, यस इस बार टाइम नहीं देता हूँ, टाइम आपको मिटा दिया है, ठीक है। टाइम के बदले आपको दे देते हैं मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू दे दे दी है 12780, ठीक है। और आपको पता क्या करना है, यस आपको पता करना है कितने टर्म तक जमा करेंगे, व्हाट इज द नंबर ऑफ मंथ दैट यू विल डिपॉजिट रुपीज 1000 टू गेट अ अमाउंट ऑफ 12780। रूल पुराना है, सीक्वेंस फॉलो करना है आपको। हाँ मैंने कहा था टाइम के क्वेश्चन में नंबर ऑफ मंथ निकालने के लिए, यस एन जो है आपका नंबर ऑफ मंथ, जो कि आपको नहीं मालूम है, इसको निकालने के लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। आइए देखिए कैसे, सबसे पहले प्रिंसिपल निकालेंगे आप, तो प्रिंसिपल के लिए क्या करेंगे, 1000 ये रहा आपका रिकरिंग डिपॉजिट इंटू एन प्लस 1 होल अपॉन 2, सो दिस गिव्स यू 500 एन एन प्लस 1, है ना, 1000 सिंप्लीफाई हो गया। अगला पॉइंट क्या है मेरे पास, इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी आपको दिया था, फिर से ये जो आंसर आपका ये वाला आ गया है, है ना, ये प्रिंसिपल आ गया है, सो प्रिंसिपल इज 500 एन एन प्लस 1 अपॉन 2, सिंप्लीफाई कर चुके हैं इसीलिए ये वाला अपॉन 2 या नहीं आएगा, और रेट कितना दिया हुआ है, अगेन 12% दिया है, सो 12 अपॉन 100, और टाइम तो फिक्स है, याद रखिएगा जब इसमें टाइम पुट करते हैं मंथली बेसिस पे कन्वर्ट करना होता है 1 अपॉन 12, सो 12 से 12 कैंसिल हो गया,
और ये 100 से 500 कैंसिल हो गया, सो योर आंसर इज 5nn+1। क्या आ गया आपका? इंटरेस्ट भी आ गया। तो दो स्टेप हो गए आपके, इनके नहीं हो गए, प्रिंसिपल हो गया, इंटरेस्ट हो गया। तीसरा स्टेप क्या है? मैच्योरिटी वैल्यू। आई मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू आपको दे दी है, आप मैच्योरिटी वैल्यू के बदले सब्सटीट्यूट कर देंगे। मैच्योरिटी वैल्यू दी हुई है 12,780, तो आपने मैच्योरिटी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी मैच्योरिटी वैल्यू के नीचे। यहाँ पर आरडी आपका अमाउंट कितना है? 1000, सो 1000 एन प्लस ये हो गया आरडी इंटू एन, दैट इज 1000 इंटू एन, क्योंकि नंबर ऑफ मंथ्स आपको मालूम नहीं है, प्लस इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कितना है आपके पास? 5n² + 5n, यही है आपके पास, है ना। अब आप क्या करेंगे, आप चाहें तो इस n को n में ऐड कर दीजिए, ये रहा n, सो योर आंसर विल बी 5n² + 1005n, और इसको उधर ले आएंगे -12,780 = 0। बन गया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहा था? नंबर ऑफ मंथ्स निकालने के लिए, टाइम ड्यूरेशन निकालने के लिए आपको n जो है मंथ्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आएगा। आप चाहें तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये सब 5 के मल्टीपल दिख रहे हैं मुझे, तीनों ही मुझे दिख रहा है कि ये 5 के मल्टीपल हैं, आप सिंप्लीफाई और कर सकते हैं। 5 1 जा 5 2 जा, सो 5 201, और यहाँ पे आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 बचा 3, 5 6 जा, सो आपके पास क्या बचा है? यस 2,556। आप इसको क्या करेंगे? मिड टर्म ब्रेक करेंगे और क्या बनाएंगे? 201। कैसे बनेगा? एन स्क्वायर प्लस 2,113 एन माइनस 12n - 2556 = 0। ये रहा n की दो वैल्यू आ जाएगी, एक आ जाएगा n प्लस 213 और एक आ जाएगा n माइनस 12, दो वैल्यू आ जाएगी n की। यस आपके पास ये वाला जो n होगा, पहला वाला जो n हो जाएगा वो n इज इक्वल टू माइनस 213 आ जाएगा, और सेकंड वाला n आ जाएगा 12। तो क्योंकि मंथ्स माइनस में नहीं हो सकते हैं, सो आपका आंसर हो जाएगा 12 मंथ्स। क्लियर है? चल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। और इसी तरह से अपने लेसन्स को तैयार करिए, सिर्फ वीडियो मत देखिए, साथ में लगाइए, अपनी नोटबुक साथ में लेके बैठिए और क्वेश्चंस लगाइए, और इन केस आपको डाउट आता है फिर से पॉज करिए और एक बार रीचेक करिए, आई एम श्योर यू कैन डेफिनेटली डू इट। तो इसी विश्वास के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।